पहले कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ था आज सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है सफलता का दायरा सिर्फ पैसा रह जाए सफलता का दायरा जब सिर्फ सुविधाएं रह जाए तो खुशी नहीं मिलेगी जो नींद है वो अर्ध मृत्यु है और मृत्यु है वो संपूर्ण नींद है मैं अपने लिए कोई प्लानिंग नहीं करता कि मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा मैं वैसा करूंगा मैं यही कहता हूं हमेशा वो जैसा कराएगा मैं वैसा करूंगा बस इक्कीसवीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। हाँ, मैंने एक पंक्ति लिखी थी इक्कीसवीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है पहले अभावों में खुशियां थी अब खुशियों का अभाव है अरे सच्चाई है पहले कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ था आज सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है ऐसे ही सब सोच रख रहे हैं आप ये कह रहे हैं आप मोटिवेट भी करते हैं तो ऐसी सोच अगर है जो वाकई ऐसा है बहुत कुछ होने पर भी इंसान खुश नहीं है कैसे करिएगा उनको मोटिवेट कोई खुशी के तरीके ढूंढ लिए हमने खुशी के तरीके बदल दिए हैं आप देखिए आप लोगों को खुशी मिलती है आईफोन क्या है वो फिफ्टीन क्या है वो प्रो मैक्स मेरे पास तो है भी नहीं तो मैं जानता भी नहीं वो क्या होता है हमें खुशी मिलती है जब हम नया फ़ोन खरीद लें हमें खुशी मिलती है जब हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाए हमें खुशी मिलती है जब हमारी रील्स मिलियंस में पहुंच जाए हमारी हमें खुशी मिलती है जब कोई मुस्कुरा भर दे हमारे सामने लड़की अगर लड़का है तो और लड़का है तो लड़की हमें खुशी मिलती है जब हम कार खरीद लें हमें खुशी मिलती है कि हम शार्क टैंक देखते हुए सोचें हाँ मैं पिच कर रहा हूँ और इन्होंने है दस करोड़ का जो है मेरे साथ इक्विटी मेरे से ले ली है और मैं जल्दी से एक यूनिकॉर्न बनने वाला हूँ जब खुशी का दायरा जो है वो सिर्फ सफलता का दायरा सिर्फ पैसा रह जाए सफलता का दायरा जब सिर्फ सुविधाएं रह जाए तो खुशी नहीं मिलेगी खुशी सुविधाओं से और इन गैजेट्स से नहीं मिलती है खुशी एक भाव है जो यहाँ से पैदा होता है और उस खुशी को दुनिया में कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता मैं कहता हूं लोगों से आप सपना ये क्यों देखते हो कि आप दो लाख रुपए का या डेढ़ लाख रुपए का फोन खरीदोगे तो आप खुश हो गए सपना ये। भाई मैं ये पांच हजार का फोन इस्तेमाल करूं या डेढ़ लाख का फोन इस्तेमाल करूं अगर आपसे बात करनी है तो आप ही से बात होगी ना अगर मैं डेढ़ लाख का फोन लूंगा तो जो बाइडन से तो बात नहीं हो जाएगी बात तो जिससे होनी है उससे ही होगी तो सपना ये मत देखो कि फोन क्या लो सपना ये देखो कि बात किससे से हो तो मजा है वरना क्या मजा है इन चीजों का अच्छा चलिए आप आजकल क्या सपना देख रहे हैं मैं तो सपना मैंने कहा ना सपना इसलिए नहीं देखता अब वो वो भी भगवान ही आपको हाँ, सपना और... भी भगवान बताते होंगे तभी आप देखते हैं आप... तो आप हाँ हाँ बात कर रहा हूं आपसे वो भी वो कह रहे हैं बात करो तो कर रहा हूं कह रहा हूं मतलब देखिए सपना जो है वो आपके हाथ में तो है ही नहीं ना आपके कंट्रोल में नहीं है वो तो एक सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट है अक्सर कहा जाता है कि जो नींद है वो अर्ध मृत्यु है और मृत्यु है वो संपूर्ण नींद है जब आप नींद में होते हो तो अर्ध मृत्यु है आप होशो आवास में नहीं हो उस वक्त आप थोड़ी तय करते हो कि मुझे ये देखना है मुझे ये नहीं देखना है वो तो एक इसका एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होगी जो भी सबकॉन्शियस माइंड में रहता है घुमड़ घुमड़ के वो आता है वो देखते हैं आप वो कह रही हैं कि नींद में लिए जाते हैं सपने वो क्या देख रहे हैं और खुली आंखों से मैं क्या सपना देख रहा हूं खुली आंखों से मैं कोई सपना इसलिए नहीं देखता कि मैंने अपने लिए जैसा मैंने शुरू में भी कहा था मैं अपने लिए कोई प्लानिंग नहीं करता कि मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा मैं वैसा करूंगा मैं यही कहता हूं हमेशा वो जैसा कराएगा मैं वैसा करूंगा बस इसके सिवाय मेरे पास कोई इस चीज का जवाब नहीं है क्योंकि मैंने आज तक ऐसे ही किया मेरा पैटर्न यही है लाइफ का मैं इसी तरह से करता हूं जिंदगी इसी तरह से चली और ईश्वर करे कि इसी तरह से चले भी